जब कुछ समझ में ना आए तो बनाएं बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चना बिरयानी। तो चलते हैं इस आसान सी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल ईट विद टेस्टी बाइट। यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए 1.5 कप राइस लिए हैं, उनको वॉश करके सोक होने के लिए रख दिया 1 आवर के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने काबुली चने यानी कि वाइट वाले चने लिए, इनको बॉईल कर लिया है, इनको भी साइड में रख देंगे। अब चलते हैं मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है, और 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने क्यूमिन सीड्स का पाउडर ऐड करा यानी जीरे का पाउडर ऐड करा है, 1 टीस्पून इसमें सौंफ मसाला ऐड करा है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब सारे इन पाउडर मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं बनना चाहिए, और पाउडर मसालों को साइड में रख देंगे। और अब चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा खुला सा पैन ले लिया है, उस पर मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड करा है। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के अनियन को फ्राई करने के लिए डाल दिया था और स्लाइस में कट करा था इसको, और ये देखिए अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो अब इस स्टेज में इसको हम बाहर कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड में, ये बाद में गार्निश में काम आएगी। उसी ऑयल में मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 स्टिक दालचीनी की ली है, 3 लौंग ली है, 1 छोटी इलायची, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया है। सारे मसालों को 2 मिनट के लिए चटकने देंगे, और फिर इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन को फाइन स्लाइस करके वो ऐड कर दिया। अनियन को आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लें, वहाँ पर भी रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहती है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी अनियन जो है वो अच्छे से कलर उसका चेंज हो चुका है, बस इतना ही आपने पकाना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब इस पर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटो को ग्राइंड कर लिया था, एक प्योरी सा बना लिया था, वो ऐड करा है, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है। और अब देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम अपने जो पाउडर मसाले हमने बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको लो फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे मसाले भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ और ये टमाटो और प्याज के साथ एक जान हो जाए। जैसे ही मसाले पक जाएंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जावित्री का पाउडर ऐड करा है, 1/2 टीस्पून इसमें मैं जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ यानी कि नटमेग का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड करा है। अब इन सारे मसालों को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम में, जिससे इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ हो जाए मसाले में। और अब इसमें हम अपने बॉईल किए हुए काबुली चने यानी कि वाइट चना ऐड कर देंगे, जिनको हम छोले भी बोलते हैं, और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से लो फ्लेम में आपने भूनना है, जिससे सारे मसालों का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो इसके साथ अच्छे से रच बस जाए। तो 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से लो फ्लेम में भूनते रहना है जब तक कि ऑयल हल्का सेपरेट नहीं होने लग जाए। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी होती है और बहुत ही ईजी बनती है। यहाँ पर 1 हैंडफुल मैंने धनिया पत्ती ऐड करी है चॉप करके, 1 हैंडफुल ही पुदीने के पत्ते मैंने चॉप करके ऐड करे हैं, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को आपने लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना ये जल्दी से जल जाएंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटे चम्मच सॉल्ट के ऐड करे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट इस बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये फीकी फीकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ा सा खुलता हुआ सॉल्ट आपने रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1.5 कप वाटर ऐड करा है इसमें, और वाटर ऐड करके लीड से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो लीड से कवर करके इसको साइड में रख देंगे, और 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कि हमारे चने के क्या हाल हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आया है, और बहुत ही अच्छे से ये पक भी गए हैं, मसाला भी बहुत ही अच्छे से पक गया है, और ये हल्का सा ग्रेवी है इसमें, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे तो उससे हमारे जो चावल हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ओपन पैन में बॉईल करेंगे, और फिर इसको कवर करके साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए,
और हम तब तक अपने राइस को बॉईल कर लेते हैं। राइस क्योंकि हमारे भीग चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने करीब 2 लीटर वाटर लिया था, उसमें 2 तेज़पत्ते डाले हैं, 2 हरी इलायची डाली है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाले हैं और 3 मैंने इसमें लौंग डाली हैं। और अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा है और इसको कवर करके इसमें एक अच्छा सा बॉईल लेंगे। कवर करने से जल्दी बॉईल आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने 1 हैंडफुल धनिया के पत्ते ऐड करे हैं इसमें और 1 हैंडफुल ही मैंने पुदीने के पत्ते ऐड करे हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैं वाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे चावल खिले खिले से बनेंगे और वाइट रहेंगे। अब इसमें जो हमने सोख करे हुए चावल रखे थे वो ऐड कर देने हैं और बस इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि चावल हमारे 90% कुक नहीं हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को आपने चावल बॉईल करते समय हाई ही रखना है और इसके वाटर को ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा छोला भी बनके, जो हमने चना बनाया था वो बनके रेडी हो चुका है और ये पानी भी इसका काफ़ी हद तक सब ड्राई हो चुका है। और अब इस पर हम एक चावल की लेयर लगाएंगे, तो ऊपर से हमने चावल की लेयर लगा देनी है और इसको पूरी तरह से बराबर कर लेंगे चारों तरफ से। और अब इस पर मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जो हमने अनियन को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को ऐसे ही रफली बीच से कट कर दिया था वो ऐड करा है और 1/2 लेमन लिया है। इसके जूस को स्क्वीज करके हम इसमें स्क्वीज कर देंगे अच्छे से। अगर आप जूस नहीं डालना चाहते हैं तो आप लेमन के स्लाइस को भी बारीक कट करके वो भी लग सकते हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी हम ऊपर से डाल देंगे, इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और बस इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखेंगे और फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इसको दम देंगे और फिर ओपन करेंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई है। एक एक चावल पूरी तरह से खिला हुआ है और मसाला भी पूरी तरह से अच्छे से पका हुआ है। तो यहाँ पे हम अपनी बिरयानी को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, जो हमारे चने का मसाला है, और मज़ेदार सी चना बिरयानी बनके रेडी हुई है। ये देखिए कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है। तो आई होप आपको ये मेरा ये फट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में भी सेम नेम से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलती हूँ जल्दी रेसिपी के साथ।